साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी अब विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। आजकल साई अपनी आगामी फिल्म विराट पर्वत के लिए चर्चा में हैं। एक्ट्रेस साई पल्लवी अपनी इस फिल्म का प्रमोशन भी जोरों शोरों से कर रही हैं, लेकिन हाल ही में उनकी ओर से दिए गए बयान के चलते साई पल्लवी विवादों में आ गई। हाल ही में एक्ट्रेस साई पल्लवी ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कश्मीरी पंडितों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कश्मीरी पंडितों को दिए अपने बयान के बाद अभिनेत्री साई पल्लवी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गौर हो कि बजरंग दल के लीडर्स ने सुल्तान बाजार पुलिस थाने में एक्ट्रेस साई पल्लवी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बता दें कि अभिनेत्री साई पल्लवी ने जो भी कुछ इंटरव्यू में कहा उसे लेकर लोगों में रोष नजर आ रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बयान देने के अलावा एक्ट्रेस पर गौरव छप के प्रति विवादित बयान देने का भी आरोप लगा है। एक्ट्रेस साई पल्लवी पर केस दर्ज होने पर पुलिस की ओर से भी बयान आया है। पुलिस का कहना है कि वह पहले वीडियो देखेंगी, जिसके बाद ही उस पर कोई एक्शन लेंगी। इसके साथ ही मामले पर लीगल ओपिनियन भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि साई पल्लवी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर दिखाए गए अत्याचारों और उनकी हत्या के सीन की तुलना मॉब लिंचिंग से की है। एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में साई पल्लवी ने कहा, मैं न्यूट्रल एनवायरमेंट में बड़ी हुई हूँ। मैंने लेफ्ट विंग और राइट विंग के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि कौन सही है और कौन गलत। साई ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म में दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडित को किस तरह हत्या की गई। वहीं कुछ समय पहले गाय ले जाने वाले मुस्लिम शख्स को बड़े बेदर्दी से पीटकर उससे धार्मिक नारे लगाने को कहा गया था, यह भी धर्म के नाम पर हिंसा है। अब इन दोनों घटनाओं में अंतर क्या है? साई पल्लवी ने आगे बताया कि उनकी फैमिली ने उन्हें हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की सीख दी है। एक्ट्रेस ने कहा कि आपको पीड़ितों की रक्षा करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।